हेलो स्टूडेंट्स, डीकेवी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। भौतिकी में दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो अदिश राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, परिमाण को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, कोई निश्चित दिशा नहीं होती, डायरेक्शन कोई निश्चित दिशा नहीं होती या हमें दी हुई नहीं होती। और सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनका परिमाण दिया हुआ होता है और वेल डिफाइंड डायरेक्शन यानी कि दिशा भी दी हुई होती है। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो अदिश राशियां जैसे लंबाई, चाल, ताप, आयतन, और सदिश राशियां जिनका परिमाण भी होता है दिशा भी होती है उसमें है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, गति। देखिए गति की यूनिट तो वही होती है पर गति में दिशा दी हुई होती है और चाल में दिशा दी हुई नहीं होती। इसी प्रकार से त्वरण, बल, ये सारे सदिश राशियों के एग्जांपल्स हैं। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर का निरूपण करने के लिए एक दिष्ट रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड का इस्तेमाल किया जाता है और इसको कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे कि ये कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है OP, ये इसका मूल बिंदु या प्रारंभ बिंदु या आदि बिंदु है, बिंदु O, और P उसका अंतिम बिंदु या टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, इंग्लिश में ये हो गया इनिशियल पॉइंट। और ये हो गया फाइनल पॉइंट। ये दिष्ट रेखा खंड की जो लंबाई है ये परिमाण को व्यक्त करती है और दिशा जो ओ से लेकर पी की दिशा है वो इस सदिश की दिशा बताती है। जैसे कोई हम एग्जाम्पल ले लें किसी बल का, बल को हम बाद में समझाएंगे, पर एक सिंपल एक ले लेते हैं, डिटेल में हम बाद में समझाएंगे। जैसे 10 न्यूटन का एक बल है जो कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री पर लगा हुआ है, तो ये तो हो गया इसका परिमाण और ये हो गई इसकी दिशा। इसको अगर हम बनाएं तो ये तो नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जब चलेंगे, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जब चलेंगे तो ये 30 डिग्री का कोण ये सदिश बना रहा है। तो इसको व्यक्त करने के लिए जो ये एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो तो हो गया बिंदु O और ये हो गया बिंदु P। जो OP जो डिस्टेंस है वो परिमाण को व्यक्त करेगा 10 न्यूटन और ये एंगल हो गया नॉर्थ से इसकी ईस्ट की तरफ चलते हुए 30 डिग्री। इसी तरह से अगर कोई हमें एंगल दे रखा है 15
न्यूटन, ये न्यूटन का सिंबल है एन, और वो ये वो है ईस्ट 60 डिग्री साउथ। तो देखिए अगर एक ही चित्र में हम 10 न्यूटन का बल्ब भी बना रहे हैं और 15 न्यूटन का बल्ब भी बना रहे हैं, तो हमको परिमाण इसका इस प्रकार से लेना है कि इसका डेढ़ा हो, जो लंबाई हो दृष्ट रेखाखंड की वो इसकी 1.5 गुनी हो, क्योंकि बल का परिमाण भी 1.5 गुना है। और ये ईस्ट से साउथ की तरफ जब चलते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये साउथ है, तो ईस्ट से साउथ की तरफ जब चलते हैं तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक दृष्ट रेखाखंड खींचा और इसके अनुपात में ही ये स्ट्रेट लाइन का की लेंथ आएगी। इसको हमने ओ क्यू से अगर निर्धारित किया तो ये तो हो गया 15 न्यूटन इसका परिमाण, और इसकी दिशा हो गई ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री के बराबर। इसको डायरेक्टली लिखने के लिए किसी सदिश राशि को हम ओ पी लिख के और उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, तो इससे निर्धारित हो जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिंपल हम ओपी भी लिखें, उसको बार लगा दें, तो इससे भी निर्धारित होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस वेक्टर का हमने कोई नाम दे रखा है ए, तो इसको छोटा ए लिख के और एक एरो इसके ऊपर लगाते हैं। अगर ये वेक्टर है कोई वेक्टर क्यू, तो इसको भी हम वेक्टर, ये क्यू छोटा लिख के, इसका ये वेक्टर का नाम हो गया वेक्टर क्यू, और इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगाते हैं। ये है सदिशों का निरूपण, या तो वेक्टर ओपी ओपी या उसका नाम जैसे वेक्टर ए वेक्टर क्यू लिख के उसके ऊपर एरो या एक खंड बनाते हैं, और इसको अनुपात में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका दिया हुआ होता है, हम उसमें बनाते हैं। नेक्स्ट है सदिश का मापांक। अब देखिए ये जो सदिश ए है इसका मापांक हम जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं मापांक, इस वेक्टर को लिख के और उसको दो वर्टिकल बार से कवर कर देते हैं, और इसका मापांक है 10 न्यूटन। तो जब हम मापांक लिखते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन नहीं लिखते, और इसको स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 न्यूटन, उसके ऊपर एक बार लगा सकते हैं, या अगर ये यूनिट वेक्टर है तो कैप लगाएंगे। तो मापांक ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस लगा के 10 न्यूटन या 10 न्यूटन। समान सदिश इक्वल वेक्टर्स, दो सदिश तब समान माने जाते हैं जब उनकी दिशा और उनका परिमाण दोनों बराबर हों। दिशा एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए और परिमाण भी एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए। तो यहां पर ओपी वेक्टर ओपी इज इक्वल्स टू वेक्टर क्यू आर। अगर इस वेक्टर का नाम हमने वेक्टर ए दे रखा है और इस वेक्टर का नाम वेक्टर बी दे रखा है, तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। समांतर चतुर्भुज अगर हम लें, समांतर चतुर्भुज बनाए, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जैसे एक समांतर चतुर्भुज है ओ पी क्यू आर, तो इसमें ये सदिश और ये सदिश समान सदिश हैं, और ये अगर कोई सदिश है और ये सदिश है तो ये भी समान सदिश हैं। आगे हम इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस भी देखेंगे इसी